नमस्कार मित्रों, नवंबर महीने का राशिफल लेके मैं संजीव बख्शी फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि हमारा संस्कृति और हमारा देश विभिन्नताओं से भरा पड़ा है और हर महीने के अपने पर्व और त्योहार इसमें रंग भर देते हैं, तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। इस मास के जो खास पर्व और त्योहार हैं, मासारंभ में ही पहली तारीख को गोपाष्टमी पड़ेगी, फिर 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव जयंती और चंद्र ग्रहण। बहुत बड़ी खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण के रूप में घटित होगी। फिर 9 तारीख से मार्गशीर्ष महीने का आरंभ हो जाएगा जो कि 8 दिसंबर तक चलेगा। 14 नवंबर को नेहरू जयंती है और 16 नवंबर को तुला राशि छोड़ के सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो उसके साथ ही मार्गशीर्ष संक्रांति शुरू हो जाएगी और 23 नवंबर को अमावस्या पड़ेगी। अब इसी के साथ हम ग्रहों की भी स्थिति समझ लें। सूर्य मासारंभ में तुला में रहेंगे और 16 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वक्री चाल चलते हुए मिथुन राशि में मासारंभ में शुरुआत करेंगे और 13 तारीख को वापस वक्री चाल चलते हुए वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। बुध तुला राशि से अपनी यात्रा जारी करते हुए 13 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति वक्री चल रहे हैं मीन राशि में जो कि 23 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। शुक्र अपनी स्वय राशि तुला में 11 तारीख तक रहेंगे और 11 नवंबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि मकर राशि में, राहु मेष में और केतु तुला में। यह हो गई ग्रहों की स्थिति। अब हम एक नजर डालें कि ओवरऑल मिला के ये महीना कैसा है। इसको हम मान सकते हैं कि यह मिश्रित फलों वाला महीना है। 16 को सूर्य की संक्रांति में सूर्य वृश्चिक में जाएंगे और इसके बिल्कुल ऑपोजिट मंगल बैठे हुए हैं वृश्चिक, मंगल वृष राशि में। दोनों आमने सामने सम सप्तक योग बनाएंगे। अग्नि प्रधान क्रूर ग्रह आमने सामने प्राकृतिक आपदाएं, कोई बड़ी दुर्घटना, जनधन की हानि, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, कुछ भी संभव है, ऐसी कोई खास दुर्घटना का इंडिकेशन मिलता है। फिर मंगल शुक्र भी आमने सामने हैं। दोनों जब आमने सामने हैं तो पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, पाला जल्दी गिरेगा, फसलों को नुकसान पहुंचेगा, तो मिला जुला के ठंड की दस्तक तो पहले ही हो चुकी है, अब ठंड पड़ने का भी समय आ गया है। और खास अपने देश में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं और इसका लाभ सत्तारूढ़ पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी अन्य पार्टी से कोई खास चुनौती मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कुछ संघर्ष के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टी की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी घटना घटित होगी चंद्र ग्रहण के रूप में। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पर घटित होता है। ग्रहण का स्पर्श काल दोपहर में 2:39 से होगा, प्रारंभ 3:46 पे, समाप्ति शाम को 5:12 पे और मोक्ष 6:19 पे। ग्रहण काल एक खगोलीय घटना है और इसमें स्नान दान, मंत्र सिद्धि, जप तप, हवन ऐसे कल्याणकारी कार्यों के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है, क्योंकि ये ग्रहण भरणी नक्षत्र में घटित हो रहा है जो कि मेष राशि में पड़ता है, तो इसलिए इसका जो भी अरिष्ट है वो मेष राशि तक सीमित है। और जहां तक भारत में इसके दिखाई देने की बात है तो इसका सिर्फ समाप्ति काल का कुछ पहर भारत के उत्तर दक्षिण में दिखाई देगा और कोई इसका विशेष ज्यादा बड़ा कोई दुष्प्रभाव अपने देश पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हम शुरुआत करेंगे राशियों के, विभिन्न राशियों के राशिफल की। तो हम आगे बढ़ते हैं और राशिफल नवंबर महीना 2022 का वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के खर्चे भर में 4 ग्रह और छठे घर में राहु और अष्टम में मंगल, राशिश मंगल अष्टम में वक्री अवस्था में, केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, सारे केंद्र खाली हैं, तो वृश्चिक के लिए भी समय कोई इतना अनुकूल नहीं है, बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। योग कारक सूर्य वृश्चिक के लिए वो 12वें विदेश भ्रमण करा सकते हैं, कुछ विदेश संपर्क भी हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में,
जीवन साथी के साथ बाहर भ्रमण करने का भी मौका मिल सकता है। शुक्र का बार में होना ऐशोराम की सुविधाओं को बढ़ोतरी करता है। फिर शुक्र राशि पर भी चले आएंगे। तो नए कपड़े खरीदना, खर्चा खर्चा खर्चा, वृश्चिक वाले खर्चे से काफी परेशान है। ऐसी स्थिति बनना स्वाभाविक है। बृहस्पति वक्री अवस्था में स्वगृह ही राशि पर दृष्टि दे के आत्मबल वृश्चिक में वैसे ही बहुत होता है, तो बृहस्पति एक थोड़ा रास्ता बना रहे हैं कि बच्चों से कम आपको खुशी प्राप्त हो रही है। परीक्षार्थियों के लिए भी समय बहुत उत्तम है और जिससे बैलेंस बन रहा है मास का, अच्छे और बुरे का। शनि पराक्रम स्थान में है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो रही है, पराक्रम बढ़ा हुआ है। तो 12, 13 और 14 3 दिन चंद्र अष्टम की स्थिति है। माता दुर्गा जी की शरण में रहें, दुर्गा कवच का पाठ करें और मंगलवार के दिन मीठे का प्रसाद बांटें, गुड़ चने का प्रसाद बांटें, अवश्य लाभ होगा।